हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक टॉपिक है जो मैग्नेटिक फील्ड के एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और वो जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। मतलब कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को या एक मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग कॉइल का क्या होता है, आई इंटू ए वेक्टर। तो एक करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण वो घूमता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना, वो हम लिख लेंगे कि जिस पे वो वर्क करने वाला है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि वेन एवर अ करेंट कैरिंग, या डायरेक्ट इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाई अ करेंट कैरिंग कॉइल, एक्सपीरियंस्ड बाई अ करेंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बट वो जो डेरिवेशन था वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग यूनिफॉर्म में लिख देते हैं, प्लेस्ड करेंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, अब देखो इसको समझो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये एक सर्कुलर शेप का ऐसा करके मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अब इस मैग्नेट का फ़ायदा क्या होता है ना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो 2D, जब हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अब रेडियल का मतलब क्या है ना कि जैसे इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, अगर हम इसको एक सर्कल बनाएं तो इसका सेंटर बीच में है, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड ना रेडियस के अलोंग जाएगा। ये एक रेडियस बना ऐसा करके, और जस्ट वहाँ जाके फिर ये ऐसा टर्न हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टकरा नहीं सकता। तो फिर ये जाएगा भी दूसरे तरफ, जो जाएगा वो भी रेडियस के अलोंग ही जाएगा। तो ऐसा करके निकला भी रेडियस के अलोंग इस तरीके का, और फिर वापस जो गया दैट इज़ ऑल्सो अलोंग द रेडियस, इस तरीके का हुआ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ऐसा हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये बनता है जब हम लोग मैग्नेट्स को इस शेप में लेते हैं, जैसा मैं ले रखा हूँ ऐसा सर्कल टाइप का। अब इसमें क्या किया ना, ये एक सिलेंडर ले रहे हैं, और ये जो सिलेंडर है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ये जो ब्लू कलर का आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है ना कि फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल, जैसे मान लो कि इसके बगल से कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जैसे ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके बगल से एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगा ऐसा करके, जो यहाँ से जा रहा था उसको भी अपने तरफ से। तो जितना भी दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड आता है, सबको ये अपने थ्रू पास कराता है। इसका मैग्नेटिक परमियाबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब सब मैग्नेटिक फील्ड को ये अलाउ कर देता है कि उसके थ्रू ही पास हो जाओ। तो अगर जैसे ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह में, और हम यहाँ बीच में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिए, तो ये सब ना उसके अंदर से ही पास होगा। ठीक है, वो उसको एक ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है ना, ये देखो मान लो इधर से ना करंट एंटर किया, और ये एक ऐसा कॉइल है। अब इसके ऊपर ना, उसी सिलेंडर के ऊपर, ये ब्लू कलर का सिलेंडर है, इसके ऊपर खूब सारा टर्न्स हम लोग ऐसा बना दिए। तो ये एक जो ये बना ना, ये एक कॉइल बना जिसका एरिया मैं ए लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है, इसको हम लोग ए एरिया लेने वाले हैं। अब तुम देखो, इधर से करंट एंटर किया, इधर ऐसा गया, फिर ये एक टर्न, फिर एक और टर्न, ऐसा करो एक और टर्न, ऐसा खूब सारा टर्न्स कर दो, और फाइनली करंट जो है यहाँ से बाहर आ जा रहा है। तो करंट यहाँ से एंटर किया, आई करंट मान लो, ये करंट जो है ये आई यहाँ से एंटर किया, एंड देर आर एन टर्न्स, टोटल मान लो कैपिटल एन टर्न्स है। ठीक है, इस ये एन मतलब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसमें एक और एन मैं यूज़ करूँगा जो कि नंबर ऑफ टर्न्स होगा। और क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ये जो एरिया है ये ए है, और ये जो करंट है ये आई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम 2D में ऊपर से देख रहे हैं, तो ये मेरे को जो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो ये जो सिलेंडर है वो गोल ऐसा दिखेगा, और उसके सामने ये ऐसा खूब सारा टर्न्स दिखेगा। तो वो जो टर्न्स है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लो ऐसा करके, जो टर्न्स अपने को दिखा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर हम लोग को दिख रहा होगा इसके ऊपर।
ठीक है। अब ना जैसे करंट इससे पास करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस पी। अब यहाँ पे ना अपने पास एक पॉइंटर रहता है, ये मान लो इससे ऐसा करके सिलेंडर से ही जोड़ दें इस तरीके का, ठीक है। तो ये पॉइंटर ऐसा लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि यार ये ग्रीन वाले कॉयल्स पे टॉर्क लगा मान लो घूमने के लिए, तो ये जब घूमेगा तो ये सिलेंडर भी इसके साथ घूमेगा। ये जो सिलेंडर है ये वाले कॉयल्स पे अगर टॉर्क लग रहा है ना, तो ये सिलेंडर भी इसके साथ घूम रहा है और सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है ये पॉइंटर। तो अगर ये वाला पार्ट घूम के थोड़ा सा ऐसा हो गया इधर अंदर और ये ऐसा, तो इसका जो पॉइंटर है वो भी इधर घूमेगा। तो पॉइंटर जो पहले इस तरफ था वो घूम के इधर गया, और अगर ये घूम के इस तरफ आ गया जब उल्टा करंट फ्लो कराएंगे तो पॉइंटर इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने सामने एक पॉइंटर है और ये एक स्केल है ऐसा करके, ठीक है, वही स्केल में यहाँ पे ऐसा दिखा रहा हूँ। तो अब ये ग्रीन वाला चीज़ अगर इधर आएगा तो पॉइंटर इधर आ जाएगा इस तरीके का, एंड वो ग्रीन चीज़ जो है जो नंबर ऑफ टर्न्स है पूरा वो अगर इधर घूम गया तो पॉइंटर इधर। तो ये ना जैसे करंट फ्लो करेगा ये पॉइंटर ना मूव करेगा क्योंकि ये टॉर्क लगा और टॉर्क के कारण ये इधर इधर मूव करेगा, ठीक है। अब देखो इसका ना एक आसान सा हम लोग डेरिवेशन करते हैं। वो डेरिवेशन कैसे है कि अच्छा उससे पहले एक इस स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी रहता है। स्प्रिंग जो रहता है ना ये नॉर्मल ऐसा स्प्रिंग नहीं है, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं कि जब ये मान लो जैसे हम लोग उसमें पढ़े हैं SHM में टॉर्सनल कांस्टेंट आता था वो टॉर्सनल पेंडुलम में, कि हल्का सा जब घूमता था ना थीटा एंगल तो ये एक टॉर्क लगाता था पीछे की तरफ सी थीटा, या उसको के थीटा भी बहुत लोग लिखते हैं। तो के वही कांस्टेंट है टॉर्सनल कांस्टेंट, कि जब ये जो सिलेंडर है ना ये जब घूमेगा तो ये जो स्प्रिंग है ना वो उस पर वापस की तरफ रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे जाके रुकेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड जैसे मान लो ड्यू टू स्प्रिंग, अगर मान लो थीटा एंगल वो घूम रहा है ना तो एक उसको टॉर्क मिल रहा है सी इंटू थीटा। सी क्या है, सी को वी कैन से टॉर्सनल कॉन्स्टेंट, सी को हम बोल सकते हैं टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। और इसका एक नाम क्या हो सकता है, टॉर्सन, टॉर्सन जो ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सी जो है अगर हम थीटा को 1 रेडियन रखते हैं, थीटा को अगर मैं 1 रेडियन ले लूँ ना, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, तो देखो तो सी जो है वो टॉर्क के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब सी जो है वो कुछ भी नहीं है, सी एक टॉर्क का वैल्यू है जब ये 1 रेडियन से घूम जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल है ना जब उसको हम ट्विस्ट कर दें कितना, 1 रेडियन से, जब ये सिलेंडर 1 रेडियन से ट्विस्ट हो जाए तब जो ये टॉर्क ऑफर करेगा ना दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्सनल कांस्टेंट। तो व्हाट वी कैन राइट कि सी इज टॉर्क पर यूनिट रोटेशन, और रोटेशन किस में लेना है 1 रेडियन, ठीक है। या तो एक और नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी इज टॉर्सन पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब कितना वो टॉर्सन बन रहा है पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, ये सारा एक ही चीज़ है। अब ये तो टॉर्क इसमें बना, और सोचो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स टू एन एम इंटू बी, ठीक है, एम क्रॉस बी इंटू साइन थीटा रहता था, और मान लो टोटल एन टर्न्स है तो ये जो लगेगा वो तो एक टर्न पे लग रहा होगा, टोटल अगर एन टर्न्स है तो टॉर्क भी तो एन टाइम्स हो जाएगा। अब ना देखो रेडियल का फ़ायदा क्या है, ये थीटा याद करो क्या था, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अगर मान लो ये टर्न्स अभी ऐसा है इस तरीके का तो इसका एम वेक्टर अंदर की तरफ है तो एम वेक्टर इसका इधर हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इधर जो एम है ये 90 डिग्री पे बना। जब ये घूम के ऐसा हो जाएगा, मान लो ये ग्रीन वाला ऐसा आ जाएगा तो इसका एम वेक्टर इधर होगा, तो उस टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मतलब प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो एम वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर ये ग्रीन वाला पार्ट घूम के ऐसा हो गया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। यही अपने को फ़ायदा हो रहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हमेशा उसके प्लेन में लाई कर रहा होगा ऐसा, मतलब ग्रीन वाला ऐसा हो रहा है इधर, इधर हो जा ऐसा करके, तो हमेशा एक थीटा जो होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा ऑन एन एवरेज। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा को 90 ले रहे हैं, और ये फ़ायदा हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर सिर्फ ऐसा रहता, ठीक है, तो जब एम वेक्टर इधर जाता तो हमको ये एंगल लेना पड़ता, एम वेक्टर इधर जाता तो ये एंगल लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जब एम ऐसा है तो हम इस बी को ले रहे हैं,
जब एम इधर हो रहा है तो हम इस बी को ले ले रहे हैं, और एम जब इधर हो रहा है तो हम इस बी को ले ले रहे हैं, तो हमेशा कोई ना कोई 90 डिग्री पे बना रहा है, ठीक है। तो टॉर्क जो आ जाएगा, थीटा को 90 पुट कर दो, एम बी इंटू एन। अब एम जो होता है वो आई इंटू एरिया होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए इंटू बी इंटू एन, ये इक्वेशन टू। और यहाँ पे जो टॉर्क बन रहा है ये अपना इक्वेशन वन है। तो फ्रॉम वन एंड टू देखो, ये जो है ये रिस्टोरिंग टॉर्क बना जो वो मतलब स्प्रिंग के कारण आया, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड घुमाया, तो दोनों जहाँ पे जाके बराबर होगा वहीं पे तो रुक जाएगा ना। तो मान लो कि ये थीटा एंगल घूमने के बाद रुका, तो स्प्रिंग के कारण, जैसे ये सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम पे हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो ये खींचता है, मान लो एक्स खींचा, कब रुकता है, जब इधर का के एक्स और इधर का एफ बराबर नहीं हो जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा ट्विस्ट में, तो हम जो ट्विस्ट कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं एन आई ए बी जो मैग्नेटिक फील्ड किया, और ये जो कर रहा है ये कर रहा है सी इंटू थीटा। तो ये थीटा एंगल घूम के मान लो रुक गया, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्रॉम वन एंड टू हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कि सी इंटू थीटा इक्वल्स टू एन आई ए बी। अब देखो थीटा जो आएगा क्या आ जाएगा, एन ए बी बाई सी इंटू आई। अब यार यहाँ पे एन ए बी बाई सी तो कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स जो हम दे दिए, एरिया मैग्नेटिक फील्ड और सी जो है टॉर्सन, वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये जो थीटा है ना वो प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे एंगल वो घूम रहा होगा, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा इसका एंगल का ट्विस्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम लोग ऐसा रेटिंग कर देते हैं कि ये जैसे ज़ीरो है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, एग्जैक्टली जितना करंट बढ़ेगा उतना एंगल में ये घूमेगा। देखो जितना ज़्यादा करंट हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ट्विस्ट इसका होगा। तो यहाँ पे ट्विस्ट ज़ीरो है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, यहाँ पे और हुआ, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, तो ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। तो यही अपना देखो, यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो मेन प्रिंसिपल है। अब मेरे को क्या पढ़ना है ना, मेरे को यहाँ पे दो टर्म पढ़ना है जो कि है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, उसको लिखना है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये चीज़ ड्रॉ कर लियोगे, ये चीज़ को लिख लियोगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं करंट सेंसिटिविटी, जस्ट अ मिनट। करंट सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि मतलब डिफ्लेक्शन उसका, सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि किसी को हल्का सा गुदगुदाते हैं तो बहुत ज़्यादा उछलने लग जाता है, इसका मतलब वो जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको गुदगुदी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें बहुत ही हल्का सा करंट फ्लो करवाएं और इसका पॉइंटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, पॉइंटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गया, और एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें उतना ही करंट दोनों में सेम दिए लेकिन ये हल्का सा डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब ये जो है ये कम सेंसिटिव है और ये तो ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि दोनों में हम करंट तो सेम प्रोवाइड किए ना, लेकिन डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हो गया, सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाला ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो जो हल्का सा करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, तो ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, मतलब एक यूनिट करंट के लिए वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अपने पास जो फॉर्मूला है उससे ही अपना मतलब इसका भी फॉर्मूला उससे ही आ जाएगा। अपने पास फॉर्मूला क्या है यार, आई इज इक्वल्स टू एन बी ए बाई सी इंटू थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा थीटा बाई आई, देखो थीटा ही तो डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट, तो थीटा बाई आई जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बाई एन इंटू बी इंटू ए, ये अपना आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे एक मिनट में कुछ चेक करने दो, थीटा इज, हाँ वही मेरे को गलत लग रहा था, जस्ट यहाँ थोड़ा सा मेरे को गलती हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई सी इंटू आई, तो थीटा बाई आई जो आ जाएगा वो एन ए बी बाई सी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अपना फॉर्मूला आया करंट सेंसिटिविटी का, ये थीटा बाई आई ही, इसको ऐसा लिख दो आई एस, तो याद रहेगा करंट सेंसिटिविटी। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या तो टॉर्शन पर यूनिट ट्विस्ट घटा दो, मतलब वो जो टॉर्क जो प्रोवाइड कर रहा है पर यूनिट रोटेशन का उसको हम घटा देंगे। तो आइदर वी कैन इंक्रीज एन ए बी या तो हम सी को घटा दें। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी। नाउ वी हैव वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या हो जाएगा, ये वही है कि पर यूनिट वोल्टेज देने से, तो डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, मतलब एक यूनिट वोल्टेज देने से उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये जो जैसे V सेंसिटिविटी को हम थीटा बाई वी कर दें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू नीचे आई इंटू आर लिख दें। अब देखो थीटा बाई आई जो है वो तो यहाँ पे है, तो थीटा बाई आई को वहाँ पे रख दो एन ए बी बाई सी, और ये नीचे आर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो एक रिलेशन अपना क्या हो जाएगा यार, पहले तो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करेंट सेंसिटिविटी ये पूछता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी एस जो है वो एंगल रोटेशन मतलब डिवीज़न पर यूनिट वोल्टेज है, और ये थीटा वी को हम लोग आई इंटू आर लिख सकते हैं, तो थीटा बाई आई क्या करंट सेंसिटिविटी आ जाएगा बाई आर, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन आ गया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी बाई आर, ये एक अपना रिलेशन यहाँ पे आया है। अब एक चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि करंट सेंसिटिविटी का एक दूसरा नाम है फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी का एक जो नाम और है वो है फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है, इसको बस याद रख लो। और ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये जो टर्म दिख रहा है, इसमें अगर हम एन को बढ़ाएं तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, तो इसका आंसर है कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एन को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो तार को हम इंक्रीज करें तो रो एल बाई ए तो बढ़ने लग जाएगा, तो एन को बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बस, लेकिन एरिया बढ़ा दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, बी बढ़ा दो या सी घटा दो, तो सी को घटाने से ना ये दोनों चीज़ ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सी को घटा दो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आर को बढ़ाने से भी वी एस नहीं घटेगा, ना कि एन को बढ़ाने से वी एस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जो है वो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। देखो अपना पहला क्वेश्चन है कि द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20% व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज डबल्ड, ठीक है। कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर दैट द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि अपना जो आई एस होता है, या ऐसा याद करो कि वी एस जो होता है वो आई एस बाई आर होता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस को हम 2R कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम IS इसको हम 2R कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी को 20% बढ़ा रहे हैं। तो IS डैश जो नया है वो कितना हो जाएगा, IS प्लस 20% ऑफ IS, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 IS आएगा। अब वहाँ पे पुट कर दो कि VS डैश जो आएगा ना मेरा, इस पॉइंट को भी हटा दो, वी एस का अपना ये फॉर्मूला होता है, तो आई एस डैश बाई आर डैश, आई एस डैश जो है 20% बढ़ गया है, तो 1.2 आई एस डिवाइडेड बाई आर डैश जो होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, 2 इंटू आर, तो ये आ जाएगा 0.6 मतलब 3/5 0.6 इंटू वी, तो 0.6 मतलब क्या हो जाएगा कि 3/5 वी इनिशियल जो यहाँ पे था, तो ये कितना हो गया, 3/5 टाइम्स हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हो गया वो 3/5 टाइम्स हो गया, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि कितने फैक्टर्स वो बदल जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है,
ये ट्राई करो पहले, कि करंट ऑफ 10⁻⁵ एम्पीयर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिग्री। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये जो सी थीटा हम लोग लेते हैं, थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, कभी भी थीटा को डिग्री में मत पुट कर देना इन अ मूविंग। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इसमें पता है क्या बोल रहा है कि 10⁻⁵ एम्पीयर जो है 10 एम्पीयर का डिफ्लेक्शन अगर ला रहा है, तो 10⁻⁶ एम्पीयर कितने का डिफ्लेक्शन लाएगा। यार अब इस चीज़ को ना ऐसे कर लो कि जो थीटा था वो प्रोपोर्शनल टू आई था, इसका मतलब θ1 / θ2 इक्वल्स टू I1 / I2। तो θ1 हम इनिशियल मान लेते हैं 10 डिग्री, तो 10 × π / 180। और θ2 डिग्री में अगर माने तो θ2 × π / 180 इक्वल्स टू I1 / I2। अब I1 जो करंट है वो 10⁻⁵ है, I2 जो है वो 10⁻⁶ है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इनको π / 180 π / 180 गया, तो θ2 जो आ जाएगा वो 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि अगर हम करंट को 10 गुना घटा देंगे तो वो मतलब उसका एंगल भी 10 गुना घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 and M2 हैव द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आर दे दिया, N A B R N A B। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल, विच ऑफ द व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी IS1 / IS2 ये क्या है, N1 B1 A1 / C1 डिवाइडेड बाई N2 B2 A2 / C2। पहले खुद से सॉल्व कर लो। तो अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब वही उसका जो टॉर्क है वो बराबर दे रखा है, तो हम लोग क्या करो इसको कट कर दो। अब यार N1 नंबर ऑफ टर्न्स पहले का कितना है 30, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25, ठीक है, इनटू एरिया है 3.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई दूसरा का है 42 इंटू मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 इंटू ये है 1.8 × 10⁻³। अब एक चीज़ देखो सिंपल सा इसको सॉल्व करना है बस सर। तो ये 10³ × 10³ क्या, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और 0.25 × 2 ये पूरा 0.5 कट जाएगा, तो 30/42 तो ये आ जाएगा 5/7। ये ऐसा करके आ जाएगा। वट इज़ द रेशियो ऑफ करेंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 और M1। मतलब हम लोग तो IS1 / IS2 निकाले, बट दे आर आस्किंग IS2 / IS1। तो ये 7/5 आ जाएगा ना, 7/5 मतलब क्या, ये 1.4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर देखें ना, तो VS1 / VS2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसमें भी ना 2 पहले लिखते हैं, ठीक है, तो VS2 / क्योंकि 2/1 का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको ना वो फॉर्मूला लगाओ कि करंट सेंसिटिविटी बाई R1 बाई करंट। यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, पहले 2 को ले, IS2 / R2 डिवाइडेड बाई IS1 / R1। अब तुम एक चीज़ देखो, इसमें R1 ऊपर चला जाएगा, R1 / R2 इंटू IS2 / IS1। IS2 / IS1 हमको अभी जस्ट निकाले 7/5 है, और R1 जो है वो कितना है 10 है, और R2 कितना है 14 है, तो ये ऊपर भी 70 नीचे भी 70, तो VS2 / VS1 का जो रेशियो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूलाज प्रैक्टिस होते जा रहा है। ठीक है, ये जो बहुत ही आसान, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस जो है वो जी दे रखा है। तो यार अभी जस्ट कितने बार हम लोग पढ़ लिए हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, वोल्टेज को रो सिग्मा वी इन लो लेने बोला है, करंट को सिग्मा आई, रेजिस्टेंस को लेने बोला है जी। अब देख लो यार कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन है। ठीक है, वॉट हैपन्स वेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड। चलो तो हम लोग को करंट सेंसिटिविटी जो था वो क्या है, NBA / C। वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA / C × R। अब क्या करना है ना कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं, मतलब डबल किया मतलब बढ़ाएं, तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रहा है देख लो, क्योंकि इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं, तो N भी बढ़ रहा है और R भी बढ़ रहा है, और दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है, तो VS जो रहता है
उसमें क्या आता है, नो चेंज, मतलब नो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम डबल, ये तो अपना गलत हो रहा है। करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल, ये करेक्ट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम्स हाफ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और करंट सेंसिटिविटी रिमेन सेम, नहीं ये सेम नहीं है, तो अपना ऑप्शन टू हो जाएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन नीड टू बी डिक्रीज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देख लो किसको घटाना है, तो अभी इससे ही कर लेते हैं, या यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी एन बी ए बाई सी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बी ए बाई सी इंटू आर। अब किसको घटाने से बढ़ेगा, तो घटाने के लिए नीचे यहाँ सी है, यहाँ सी आर है, यही दोनों तो घटा सकते हैं। तो यार सी को घटाने से करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आर को घटा दें तो यहाँ पे आर को घटाने से नंबर ऑफ टर्न्स भी घट रहा होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा ये घटा, तो इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में बस ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सी तो दोनों में है, तो सिंपल सी को घटा दो। अब सी क्या होता है, द कपल पर यूनिट ट्विस्ट, कपल मतलब ये टॉर्क है। ठीक है, तो इसका एक नया नाम हुआ, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।